भाई बहन के अगाध प्रेम को समर्पित त्योहार भाई दूज की आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका भाई दूज के इस खास कार्यक्रम में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। बहन छोटी हो या बड़ी, पास हो या दूर, दिल से सिर्फ अपने भाई की खुशहाली की कामना करती रहती है। उनके इस प्यार और श्रद्धा को और गहरा करता है भाई दूज का पर्व। इस साल बहनें भाई दूज का त्योहार 29 अक्टूबर को मनाने वाली हैं। ऐसे में हर बहन चाहती है कि उसके भाइयों की उम्र 100 बरस हो और वो हर दुख से दूर रहे। यह पर्व दिवाली के 2 दिन बाद कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। दिवाली इस बार 27 अक्टूबर को थी। भैया दूज के त्योहार में बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी आरती करके भगवान से उनकी लंबी आयु और अच्छे भविष्य की कामना करती हैं। दीपावली हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है और 5 दिवसीय त्योहार के 5वें दिन मनाया जाता है भाई दूज का पर्व। भाई दूज को यम द्वितीया भी कहा जाता है। भाई दूज का पर्व भाई बहन के रिश्ते पर आधारित पर्व है, जिसे बड़ी श्रद्धा और परस्पर प्रेम के साथ मनाया जाता है। रक्षाबंधन के बाद भाई दूज ऐसा त्योहार है जो भाई बहन के अगाध प्रेम को समर्पित है। बहन अपने भाई को तिलक लगाकर उपहार देकर उसकी लंबी उम्र की कामना करती है। भाई दूज से जुड़ी कुछ मान्यताएं हैं, जिनके आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में इसे अलग अलग तरह से मनाया जाता है। आइए बताते हैं आपको मान्यताओं के अनुसार भाई दूज की कहानी। छाया भगवान सूर्य देव की पत्नी है, जिनकी 2 संतान हुई, यमराज तथा यमुना। यमुना अपने भाई यमराज से बहुत स्नेह करती थी। वह उनसे सदा यह निवेदन करती थी कि वे उनके घर आकर भोजन करें, लेकिन यमराज अपने काम में व्यस्त रहने के कारण यमुना की बात को टाल जाते थे। एक बार कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमुना ने अपने भाई यमराज को भोजन करने के लिए बुलाया तो यमराज मना ना कर सके और बहन के घर चल पड़े। रास्ते में यमराज ने नरक में रहने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। भाई को देखते ही यमुना ने बहुत हर्षित हुई और भाई का स्वागत सत्कार किया। यमुना के प्रेम भरा भोजन ग्रहण करने के बाद प्रसन्न होकर यमराज ने बहन से कुछ मांगने को कहा। यमुना ने उनसे मांगा कि आप प्रति वर्ष इस दिन मेरे यहाँ भोजन करने आएंगे और इस दिन जो भाई अपनी बहन से मिलेगा और बहन अपने भाई को चीका करके भोजन कराएगी, उसे आपका डर ना रहे। यमराज ने यमुना की बात मानते हुए तथा अस्तु कहा और यमलोक चले गए। तभी से यह मान्यता चली आ रही है कि कार्तिक शुक्ल द्वितीया को जो भाई अपनी बहन का आतिथ्य स्वीकार करते हैं, उन्हें यमराज का भय नहीं रहता। भाई दूज को लेकर यह मान्यता प्रचलित है कि इस दिन भाई को तिलक लगाकर प्रेम पूर्वक भोजन कराने से परस्पर तो प्रेम बढ़ता ही है, भाई की उम्र भी लंबी होती है। क्योंकि इस दिन यमुना जी ने अपने भाई यमराज से वचन लिया था, उनके अनुसार भाई दूज मनाने से यमराज के भय से मुक्ति मिलती है और भाई की उम्र व बहन के सौभाग्य में वृद्धि होती है। भाई का प्रेम है सबसे अलग। बहन के प्रति बचपन से ही चिंतित रहने वाले भाई के प्रति प्रेम प्रकट करने का इससे अच्छा अवसर दूसरा नहीं। जितना महत्व रक्षाबंधन को दिया जाता है, उतना ही महत्व भैया दूज को भी दिया जाना चाहिए। बहन को चाहिए कि भाई को अपने घर बुलाकर उसे भोजन कराए तथा लंबी उम्र की कामना के साथ छोटा सा ही सही पर उपहार जरूर दे। भाई दूज का ये दिन बड़ा खास है। मन आस्था और सच्चा विश्वास है, खुश रहे यूं ही बहन तू, इस भाई के मन में बस यही आस है। हैप्पी भैया दूज। भाई बहन के अगाध प्रेम को समर्पित त्योहार भाई दूज की आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं।